हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर की यात्रा का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कैसे जाएं, कहां रुकें, कहां घूमें, और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि पूरी यात्रा में एक आदमी का कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और आप घूमने जाते हैं तो आपको कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आपका वो टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर पहुंचने का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे, और इस मंदिर के दो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। पहला हावड़ा, जिसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, और दूसरा रेलवे स्टेशन है सियालदह, जिसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। और ये दोनों रेलवे स्टेशन भारत के सभी राज्यों के साथ रेलवे कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो आप दमदम एयरपोर्ट आएँ, जहाँ से इस मंदिर की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की होती है। और अगर आप ऑन द रोड आना चाहते हैं तो ऑन द रोड भी आ सकते हैं, जो कि कोलकाता से हर स्टेट के लिए नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं तो आपको आगे किससे जाना है। तो आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें, जहाँ पर आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाती है, जो आपको कालीघाट मंदिर पहुंचाने के लिए 150 से 200 रुपये तक का चार्ज करते हैं और आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पहुंचा देते हैं। तो आप यहाँ पहुंचने के बाद माता के दर्शन कीजिए, जिसके सोने के जीव बने हैं, और यहाँ पे विशालकाय मंदिर है, और मंदिर के बगल से गंगा जी गुजरे हुए हैं, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और स्नान करके मंदिर में अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। वो यह एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो आपको गंगा जी में स्नान करने का भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो अब आप दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं तो आपको अब कहाँ पर रुकना चाहिए। अगर आप मंदिर के आसपास में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी रुकने के लिए अच्छे खासे होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको और जगह घूमना चाहते हैं तो आपको वापस हावड़ा आकर ही रुकना चाहिए। हावड़ा में आपको रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक IRCTC संपत गेस्ट हाउस बना हुआ है, जिसमें नॉन एसी का किराया 700 रुपये और एसी रूम का किराया 1200 से 1500 रुपये के बीच में रहता है। और अगर आप प्राइवेट होटल्स में भी रुकना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाता है, और होटल्स में आपको रूम का किराया लगभग 700 से 1000 रुपये तक का लगता है, और आपको यहाँ पर खाना भी 100 रुपये तक में मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर रात में रुकते हैं तो आपको सुबह दक्षिणेश्वरी काली मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप बेलूर मठ का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही स्थित है। और यहाँ से बेलूर मठ जाने के लिए आपको बोट में सफ़र करना पड़ता है, जिसमें आपको 15 रुपये का भाड़ा लगता है। और इस बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी का समाधि बना हुआ है। तो आप यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से घूमें, और घूमने के बाद यहाँ पर चल रहे लंगर का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप 2 दिन 2 रात का ट्रिप पर आते हैं तो आपको कुल खर्चा कितना आने वाला है। अगर आप प्राइवेट होटल्स में रुकते हैं और पूरे बस से ट्रेवल करते हैं, सभी जगह बस से घूमते हैं, तो आपको करीब 2500 से 3000 के बीच में एक आदमी का खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे घूमना है और कहाँ कहाँ घूमना है और पूरा घूमने में कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं पसंद। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपसे मिलते हैं ऐसे नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।